परमेश्वर किसान भाइयों ने ये अपने तकरीबन ये खेत होगा ना अपना कम से कम 6 या 7 कनाल का खेत है अपना। ये खेत तैयार कर दिया है, इसमें प्याज का जो बीज होता है कण कण आता है ना, इसमें कण गिरेंगे। इसमें एक पेंडा की स्प्रे कर दी है, पेंडा जो 1 लीटर में होती है दवाई उसकी स्प्रे की है इसके अंदर, इसको छोड़ दिया है। और ये कल्टीवेटर की भाव मार रखी है, देखो अभी माटी में डली है, इसके ऊपर एक हैरो लगेगी, फिर मैज, फिर रोटावेटर और फिर बीज की बुझाई। देखो फिर कहीं जाकर बीज की बुआई होगी इसके अंदर। ये देखो डली बन रही है बीज के अंदर, अभी बिल्कुल खेत रेडी तैयार नहीं हुआ है। इसके अंदर पेंडा गिर रखी है इसलिए छोड़ रखा है। और तकरीबन मौसम भी थोड़ा सा बारिश का होया रहता है। ये देखो तकरीबन 7 कनाल, 1 किले के 1 किले में से तकरीबन 1 कनाल ज़मीन कम होगी ये। देखो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, देखो जो किसान भाई ने खेती की होगी वो तो बता ही देगा कितनी ज़मीन है या कितनी नहीं है। ये मैंने नैप के छोड़ रखे है, तकरीबन 7 कनाल ज़मीन छोड़ दिया है मैंने। पूरे 7 कनाल के अंदर प्रशांत अर्जुन का बीज गिरूँगा और प्राची का बीज गिरूँगा, आधे में प्रशांत और आधे में प्राची। ये देखो ज़मीन के अंदर पूरी तो नमी है। और ये डली बन रही है ना, जो डली ये डली तो तकरीबन रोटावेटर चलेगा ना जब भी फूटेगी। देखो पूरी मजबूत डली हो रही है, 2 दिन छोड़कर इसके अंदर हैरो मरवाऊंगा। हैरो मरवाने के बाद फिर 2 दिन इसको सुखा के फिर कल्टीवेटर, फिर मैज मरवा के फिर इसमें दोबारा रोटावेटर मरवाऊंगा। ये देखो पूरा तैयार कर दिया है दोबारे प्याज का बीज बनाने के लिए, इसको तैयार कर रहा हूँ। ये अपने जनवरी के अंदर या तकरीबन 14 या 15 तारीख को बीज में इसकी बिजाई करेंगे। देखो